आज बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में मुलाकात की। बैठक नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में आयोजित हुई, जिससे मध्य प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में हो रहे विकास पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के सहकारिता क्षेत्र में उन्नति हो रही है और दुग्ध संघों का प्रबंधन अगले 5 वर्षों तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें 11,000 गाँव के पशुपालकों और दुग्ध उत्पादों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समझौते से गांव में बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस चर्चा में गृह मंत्री शाह ने भी प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की सराहना की और सहकारिता क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस कदम से कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन प्रदेश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर सोयाबीन उपार्जन की सराहना की और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। इस योजना से प्रदेश के किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ और अतिवृष्टि से हुए नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की कि जल्द ही केंद्रीय दल इन क्षेत्रों का दौरा करेगा और नुकसान का आंकलन करेगा।